बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पिछली दफ़ा हमने जो है वो आयत नंबर 19 थी सूरह माईदा की, वहाँ तक हमने पढ़ा था। तो अब जो है हम जो जो आयत नंबर 20 है उससे हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले जो है वो उस चीज़ को हाँ जी, ये जो है वो एक मिनट, ये आयत नंबर 20 जो है वो यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। और याद करो, जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की उस नेमत का ख्याल करो जो उसने तुम्हें अता फरमाई थी। वो नेमत के उसने तुम्हें अंबिया पैदा फरमाए और तुम्हें हुक्मरान बनाया और तुम्हें वो कुछ अता फरमाया जो सारे जहानों में किसी को नहीं दिया था। यहां से जो है वो बनी इसराइल की तारीख का एक वाकया जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और वो वाकया जो है वो असल में ये बताता है कि जो बनी इसराइल की जो सोच थी, जो उनके काम करने के तरीके थे, वो क्या थे। और जो है वो जो उन लोगों ने अपने नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किस कदर तंग कर दिया था, और वो इस इतने ज्यादा तंग आ गए थे कि फिर उन्होंने जो है वो अपनी इस वो जो उनकी मायूसी थी उसका भी इजहार फरमाया, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ जो जिक्र हुआ है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की उस नेमत का ख्याल करो जो उसने तुम्हें अता फरमाई थी, वो नेमत कि उसने तुम में अंबिया पैदा फरमाए, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से फिर जो है वो पे दर पे अंबिया जो है वो बनी इसराइल में आते रहे। और जो है वो कोई ऐसा वक्त नहीं था जिसमें जो है इनमें कोई नबी मौजूद ना हो, कोई ऐसा बड़ा लंबा टाइम जो है वो मौजूद नहीं था। कुछ छोटे छोटे वक्फे आते रहे, लेकिन कोई बड़ा वक्फा जो है वो नहीं आया। और तुम्हें हुक्मरान बनाया, हुक्मरान जो है वो बनाने का मतलब ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में, आपको पता ही है कि वो मिस्र में जो है वो अगरचे बादशाह तो नहीं थे वो, लेकिन जो है वो एक तरह से हुकूमत उनके हाथ में ही थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो रहने वाले थे फलस्तीन के, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, ये सिर्फ सब के सब फलस्तीन या शाम का इलाका जो था, तो वो वहां के ये रहने वाले थे। तो वहां से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो उनको लाया गया, क्योंकि वो उनके भाइयों ने, आपको पता है, कुएं में फेंक दिया था। तो फिर वो मिस्र वाले उठा के ले आए, तो वो मिस्र आ गए। तो वहां से जो है वो उनका जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक के ऊपर एक ऐसा वक्त आया कि वो तकरीबन जो है वो हुक्मरान थे। तो वो इसका जो है वो यहाँ पर जिक्र है कि तुम्हें हुक्मरान बनाया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी जो है वो फिर जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना आया, तो फिर इनको एक और हुकूमत मिली। तो ये इनके उरूज जवाल जो है वो इन पे आते रहे हैं। और तुम्हें वो कुछ अता फरमाया जो सारे जहानों में किसी को नहीं दिया था। तो उस वक्त की जो बनी इसराइल जो थे, वो उस वक्त सारे जहान वालों में सबसे ज्यादा जो है वो मोतबर और सबसे ज्यादा जो है अल्लाह ताला के लाडले थे। और जो है वो इनको वो कुछ अता फरमाया गया है जो बाद में भी कभी किसी को नहीं मिला, मोजों के और इस तरह के जो है वो इनकी इस तरह से मदद हुई है। तो इस तरफ जो है वो इसमें इशारा किया गया है। ऐ मेरी कौम, उस
मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और पीठ दिखाते हुए वापस ना पलटो वरना नुकसान उठाते हुए लौटोगे। ये जो जो जगह है जिस जमीन का सरजमीन का यहाँ जिक्र हो रहा है वो है फलस्तीन। और आप जानते हैं कि जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो जब उनको लेकर निकले थे बनी इसराइल को, तो वो जो जगह थी वो यानी ये निकले थे मिस्र से, और दरमियान में जो है वो जो रेड सी था वो उधर से उसको उन्होंने क्रॉस किया और जो है वो आ गए उस इलाके में जिसको सहराए सीना कहा जाता है आम जबान में। और वहां से फिर जो है वो ये चले गए उसी सहराए सीना के अंदर घूमते रहे। ये सहराए सीना जो है ये है जो अपना अब ये मिस्र का इलाका है, लेकिन जो है ये वाक़े है बिटवीन सऊदी अरब, एक इसके राइट साइड पे सऊदी अरब है, इसके लेफ्ट साइड पे मिस्र है, और एक तरफ इसके जो है वो बहता है जिसको अब हम गल्फ ऑफ सुएज कहते हैं, और एक तरफ जो है वो गल्फ ऑफ अकबा है, और इसके ऊपर जो है वो फिर इसराइल है और फिर जॉर्डन है और ये वाले इलाके हैं। तो इधर से जो है वो ये वो लोग जो है वो इस इलाके में दाखिल हुए, और फिर जो है वो वहां पर वो कोहे तूर है जिसके अंदर ये लोग जो है वो वहां पर इन्होंने कुछ तकरीबन 1.25 साल के करीब वहां पे गुजारा। और इस अरसे में जो है वो अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारे मौजज़ात दिखाए, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो अपना असा मारा तो वो जो था जो रेड सी था वो फट गया, उसके बाद उसको इन्होंने क्रॉस कर लिया। फिर इनको प्यास लगी तो जो है वो एक चट्टान के ऊपर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो असा मारा तो उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े। फिर जो है वो इनको धूप ने परेशान किया तो बादलों का साया हो गया। फिर इनको भूख लगी तो इनके लिए जो है वो मनोसलवा का बंदोबस्त कर दिया गया। तो इन्होंने बेशुमार मौजज़ात देखे थे। तो वहां पे फिर ये कोहे तूर के पास आ गए। कोहे तूर जो है वो जो ये जो सहराए सीना है, ये जो जिसको इंग्लिश में सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, तो इस पेनिनसुला के तकरीबन साउथ में, मिड ऑफ साउथ में जो है वो वाक़े है। तो वहां पे फिर इनको तौरात दी गई। तो इसमें तकरीबन 1 साल 1.25 साल जो है वो गुजर गया। तो फिर जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जो है वो ये हुक्म आया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के थ्रू बनी इसराइल के लिए कि जो है उस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। तो ये जो चूंकि ये निकले थे फलस्तीन से, इसलिए जो है वो इनको कहा गया कि अब अपना तुम्हारा असली वतन जो है वो फलस्तीन है, वहां पर तुम लोग वापस चले जाओ। तो ये लोग जो है वो वहां से इनको जब फलस्तीन में जाने के लिए कहा गया तो वो लोग कहने लगे, ऐ मूसा वहां तो बड़ी जाबिर कौम आबाद है और हम उस सरजमीन में हरगिज दाखिल ना होंगे जब तक वो वहां से निकल ना जाए। हाँ, अगर वो वहां से निकल जाए तो फिर हम दाखिल हो जाएंगे। ये हुआ ये कि जब इनको ये हुक्म दिया गया तो एक जगह पे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने ट्रेवल करना शुरू किया टुवर्ड्स नॉर्थ, और जो है वो एक जगह जिसको दश्ते फारान कहते हैं, वादिया फारान भी, ये सारा इलाका वादिया फारान है, इसको इकबाल का बड़ा मशहूर शेर भी है वो, फिर वादिया फारान के हर जर्रे को चमका दे, वो वाला शेर जो है। तो वो वादिया फारान में जो है ये वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके साथ क़याम फरमाया, और इनके जो 12 सरदार थे, नकीब थे, उनको भेजा उस इलाके में फलस्तीन में कि जाके देख कर आओ क्या हालात हैं, और वापस आकर जो है वो फिर जो है वो बताना कि क्या है। तो एज पर बाइबल वो लोग जब वापस आए
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि देखो जो भी तुमने बात करनी है ना वो अकेले में करना, अगर कोई खतरनाक बात है, कोई ऐसी बात है जिससे कौम डर जाए तो वो सबके सामने ना करना। उन्होंने जो बात की उन 12 में से 10 ने, वो ये थी कि जी वो जो है वहां पर तो दूध और शहद की नहरें बहती हैं और बड़ी वहां पर जो है वो खुशहाली है, लेकिन वहां जो कौम रहती है वो बड़ी जब्बार है और बड़े लहीम शहीम हैं और बड़े जो है वो ऊंचे हैं और हम अपने आप को उनके सामने टिड्डा सा महसूस करते हैं। तो जब उन्होंने ये कहा तो कौम डर गई, तो कौम ने जो है वो फिर ये बात कही कि ए मूसा वहां तो बड़ी जाबिर कौम आबाद है और हम उस सरजमीन में हरगिज दाखिल ना होंगे जब तक वो वहां से निकल ना जाए। हाँ अगर वो वहां से निकल जाए तो हम फिर दाखिल हो जाएंगे। अब जो है वो ये तो कभी तारीफ में नहीं हुआ कि कोई कौम जो है वो अपना मुल्क किसी ऐसी कौम के लिए खाली कर दे जो उसे डरती भी हो। तो ये जो है वो चूंकि इतने मोजे, प्रॉबली ये मेरा ख्याल है कि इन लोगों ने इतने मोजे भी देखे थे तो ये शायद एक्सपेक्ट करते थे कि एक मोजा सा कुछ हो जाएगा तो ये जो है वो कौम मुल्क खाली करके चली जाएगी तो हम चले जाएंगे, लेकिन जो है वो ऐसे तो नहीं होता। तो उन लोगों ने जो है वो एक बुजदिली दिखाई वहां पर। उन डरने वालों में से 2 आदमी ऐसे थे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया था। वो 2 आदमी जो थे वो हजरत यूशा बिन नून और हजरत जो कालिब बिन यफन्ना, ये 2 लोग थे जो कि ऐसे थे जिनको जो है वो जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया था। वो बोले दरवाजे में से बेखतर दाखिल हो जाओ, फिर जब तुम अंदर दाखिल हो जाओगे तो तुम ही गालिब रहोगे, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। तो गोया वो उन इन दोनों हजरात ने जो है वो इनकी जो है वो हिम्मत बंधाई और जो है वो कहा कि भाई तुम जो है ना थोड़ी सी हिम्मत करो, बस अंदर चले जाओ, बाकी अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारी जो है वो जरूर मदद फरमाएगा। कौम के लोग कहने लगे ऐ मूसा जब तक वो वहां हैं हम कभी भी उस शहर में दाखिल ना होंगे, लिहाजा तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और उनसे लड़ो, हम तो यहां बैठे हैं। तो ये वो जुमला था जो कि उनकी जो सारी सोच थी, जो उनकी जो तरीक़ेकार था जिसके तहत वो चलते थे, वो उन्होंने जो है वो यहां पर जाहिर कर दिया। और वो ये कि जी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनका रब जाएं और वो लड़ें और वो मुल्क को फतह कर लें, और जो है जब मुल्क फतह हो जाए तो हमें आके बता दें और हम जो है वो दाखिल हो जाएंगे। अब मैंने पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि ये 6 लाख अफराद थे, इन 6 लाख अफराद में से वो लोग जो कि लड़ने के काबिल होंगे कुल लाख के करीब तो होंगे, ये 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख ऐसे तो होंगे, बाकी औरतें बच्चे और बूढ़े निकाल भी दें तो अगर वो यानी 4 लाख उनको कर लें तो 2 लाख या 1.5 लाख या एटलीस्ट जो है ना 1 लाख तो ऐसे जरूर होंगे जो कि लड़ने के काबिल होंगे। लेकिन जो है वो उनकी बुजदिली का ये आलम था कि उन्होंने ये जुमला बोला कि ए मूसा जब तक वो वहां हैं हम कभी भी उस शहर में दाखिल ना होंगे, लिहाजा तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और उनसे लड़ो, हम तो यहां बैठे हैं। ये जो बात उन्होंने की तो इस पर जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो काफी डिस्टर्ब हुए, होना भी चाहिए था। तो वहां पर जो है उन्होंने जो है वो क्या फरमाया, ये सुनकर मूसा ने अर्ज की ऐ मेरे रब मेरे इख्तियार में अपनी जात और अपने भाई के सिवा और कोई नहीं, लिहाजा तू हमारे और इस नाफरमान कौम के दरमियान जुदाई डाल दे। तो ये जो मायूसी थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उसको उसका ये इजहार है, और उन्होंने जो है ना एक तरह से ये कह दिया कि भाई अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकता तो लिहाजा मुझे तो तू इनसे दूर कर दे। तो इस पर जो है ना ये दुआ जो है वो अल्लाह ताला ने कबूल नहीं फरमाई, लेकिन अल्लाह ताला ने यह भी नहीं फरमाया कि मैंने तो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं फरमाई है।
तो खामोशी इख्तियार फरमाई। और जो है फिर जो आगे फरमाया वो क्या था, अल्लाह ने फरमाया अच्छा तो ये सरजमीन इनके लिए 40 साल तक के लिए हराम कर दी गई है, भटकते फिरे जमीन में, लिहाजा तुम इन नाफरमान लोगों के लिए गमगीन ना हो। तो ये कौम जो थी ये इनके लिए ये जो जमीन थी यानी फलस्तीन की जमीन जो थी वो 40 साल के लिए हराम कर दी गई। और फिर जो है वो इनको कहा गया कि अब तुम जो है वो उसी इलाके में भटकते फिरो। तो वो जगह जहां पर ये घूमते रहे वो ही पूरा सिनाई पेनंसुला के अंदर वो जो है वो वादी तिया कहलाती है। तिया जो है वो एक यानी तकलीफ और परेशानी की बात है को कहते हैं। तो वो उस तकलीफ और परेशानी के अंदर जो है वो उस इलाके के अंदर घूमते रहे 38 ईयर्स तक ये लोग वहीं रहे। इन 38 ईयर्स में क्या हुआ कि वो तमाम लोग जो कि 20 साल से ऊपर के थे उस वक्त जबकि इनको कहा गया था कि जाओ और जाकर जो है वो लड़ो और फलस्तीन को फतह कर लो, वो सब के सब मर गए। और जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो बाइबल के मुताबिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो दो थे हजरत यूशा बिन नून और कालिब बिन यफन्ना, इनके अलावा जितने भी होंगे सब मर जाएंगे जो बड़े बूढ़े हैं। तो जो नौजवान फिर दोबारा से जो है वो जो जो कौम जो बाद में जो है वो पैदा हुए और फिर जवान हो गए इन 38 ईयर्स में, एक नई नस्ल जो है वो उठ के खड़ी हो गई, वो फिर जो है वो वहां पे तैयार थे। उनको लेके फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम जो है वो दोबारा नॉर्थ की तरफ गए और वहां पर जो है वो एक पहाड़ी पर हजरत हारून अलैहि सलाम का इंतकाल हुआ। उसके बाद जो है वो फिर जॉर्डन के की तरफ से जो है वो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उनकी फलस्तीन के ऊपर जो है वो चढ़ाई की। तो वो वहां पे थोड़ा सा इलाका कुछ फतह हुआ तो हजरत मूसा अलैहि सलाम का इंतकाल भी हो गया। और फिर जो है वो हजरत यूशा बिन नून जो है वो जो के हजरत मूसा अलैहि सलाम के जानशीन थे और उनके बाद वो नबी मुकर्रर हुए थे, वो फिर गए और उन्होंने फिर जो है वो फलस्तीन का इलाका फतह किया। ये हजरत यूशा बिन नून जो है इनका अलैहि सलाम का जो मज़ार है वो इस वक्त इस्तांबुल के पास एक पहाड़ी के ऊपर वाक़ है, वहां मुझे जाने का जो है वो इत्तफाक भी हुआ। तो ये बनी इसराइल की जो तारीख का जो वाकया था वो यहाँ पे हमने उस पढ़ा। तो ये उनकी जो है वो सोच को जाहिर करता है कि वो किस तरह की उनकी सोच थी। और आप इन्हें आदम के दो बेटों की खबर भी ठीक ठीक पढ़कर सुनाएं। यहाँ पर जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील यानी इंग्लिश में केन एंड एबल जो थे उनका एक वाकया बयान किया जा रहा है, वो इसकी और बनी इसराइल के वाकये के फौरन बाद जो है वो इसकी एक सिग्निफिकेंस है खास, वो अभी मैं जो हूँ वो उसको बताऊंगा। तो ये वो हजरत आदम के दो बेटे थे हाबील और काबील, इनमें से एक दोनों जो है वो कोई एक शायद कोई चरवाहे का काम वो काश्तकारी का काम करते थे, एक जो है वो कोई और दूसरा कारोबार करते थे। तो दोनों ने जब दोनों ने कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई और दूसरे की कबूल नहीं की गई। दूसरे ने कहा कसम है तुम्हें मैं तुम्हें कत्ल कर डालूंगा। पहले ने जवाब दिया अल्लाह तो परहेजगारों से ही कबूल फरमाता है। ये पिछले जमाने में ये कुर्बानी उन्होंने क्यों पेश की थी इसके बारे में जो है वो कोई बात यकीन से नहीं की कही जा सकती, इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन चूंकि कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती इसलिए हम उस तरफ नहीं जाते। और जो जब कुर्बानी पेश की जाती थी तो जो कुर्बानी जो थी वो इस सूरत में होती थी कि वो चीज जो है वो रख दी जाती थी एक पहाड़ की चोटी पे या किसी ऊंची जगह पर,
तो एक आसमान से एक आग का शोला आता था और उसे जला के राख कर देता था। तो दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। एक ने जो है वो गालिबन कोई अनाज था और दूसरे ने शायद जो कोई कोई गोश्त इस तरह की कोई चीज रखी थी। तो जो है वो एक की कुर्बानी, हाबील की कुर्बानी जो है वो कबूल हो गई, काबील की कुर्बानी जो है वो कबूल नहीं की गई। तो दूसरे ने कहा कसम है मैं तुम्हें कत्ल कर डालूंगा। तो जो जो काबील था उसने गुस्से में आकर जो है वो हाबील को कत्ल करने का की धमकी दे दी कि मैं तुम्हें जो है वो, क्योंकि तुम मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की गई और तुम्हारी कर ली गई है, तो मैं तुम्हें जो है वो कत्ल कर दूंगा। पहले ने जवाब दिया अल्लाह तो परहेजगारों से ही कबूल फरमाता है। इससे ये पता चला कि जो अल्लाह ताला कोई नेकी जो कबूल फरमाता है उसमें जो खुलूस और हलाल माल का होना और इस तरह की चीजों के साथ साथ जो चीज और इम्पोर्टेंट है वो है कि जो है माल भी जो तकवा है वो भी मौजूद हो। तो ये जो इनके पास जो है वो जो हबील थे उनके पास जो है वो परहेजगारी और तकवा था, दूसरी साइड के ऊपर काबिल के पास जो है वो तकवा नहीं था। अच्छा, तकवा ना हो तो क्या होता है? तकवा ना हो तो ये होता है कि इंसान से की को अगर गलती पर टोका जाए तो वो बजाय इसके कि तौबा का रास्ता इख्तियार करे वो अपने आप को जस्टिफाई करने लगता है, अपने आप को डिफेंड करने लगता है। और जो है वो बाज़ औक़ात वो जैसे कि काबिल जो है वो हुआ कि वो अग्रेसिव भी हो जाता है। तो जिसके जिसके अंदर परहेजगारी मौजूद हो और जो अल्लाह ताला के आगे झुकने वाला हो उसकी खूबी ये होती है कि अगर उसको टोका जाए उसकी गलती पर तो वो तौबा का रास्ता इख्तियार करता है। तो ये दोनों के दरमियान फर्क था। इस किस्से के अंदर जो है वो दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से एक बात जो है वो अभी हमने पढ़ी। अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाओगे तो जवाब में मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं अल्लाह से डरता हूं जो तमाम जहालनों का पालने वाला है। इसका ये मतलब नहीं कि जो है वो काबिल को हबील ने ये कहा कि तुम मुझे कत्ल करने आओगे तो मैं हाथ बांध के खड़ा हो जाऊंगा। मतलब ये था कि अगर तुम मुझे कत्ल करने की कोशिश करोगे मैं अपने बचाव की कोशिश तो करूंगा लेकिन मैं तुम्हें कत्ल करने की कोशिश नहीं करूंगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, इससे पहले हम डिटेल में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। और क्यों नहीं करूंगा, मैं अल्लाह से डरता हूं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो रब्बुल आलमीन है, मैं उससे चूंकि डरता हूं और मुझे उसका खौफ है इसलिए मैं जो है वो तुम्हारे इस एक्शन पे रिएक्शन के तौर पे जो है वो तुम्हें कत्ल करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरा और अपना गुनाह खुद ही समेट लो ताकि तुम जहन्नमियों में से हो जाओ और जालिमों की यही सजा है। जो इसका मतलब ये है कि जो अगर जो है वो तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे मैं अपने बचाव के लिए को हाथ पांव मारूंगा, उस हाथ पांव मारने के प्रोसेस के अंदर हो सकता है तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए, तो वो जो मेरा एक्शन होगा उसका वबाल भी तुम ही समेटोगे। इस जो जो बात यहाँ पे कही गई है कि मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरा और अपना गुनाह खुद ही समेट लो, तो जो तुम हरकत मेरे साथ करोगे वो हरकत मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा और उसके नतीजे में क्या होगा कि तुम जो है वो जो अगर मेरे से कोई गलती हो गई इस सारे प्रोसेस में, यानी मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया, कोई तुम्हें चोट शोट लग गई, तो इसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर ही होगा, मेरा गुनाह जो है वो भी तुम्हारे सर ही जाएगा। और इसका एक और मतलब ये भी है कि रोज़े हिसाब जो है वो जब जब हिसाब किताब हो रहा होगा तो जो है मेरे जो कोई गुनाह अगर लाइफ में हुए भी तो वो भी जो है वो तुम्हारे सपोर्ट कर दिए जाएंगे और तुम उसका बवाल उठाओगे।
आखिरकार उसके नफ्स ने उसके लिए अपने भाई का कत्ल आसान कर दिया और उसने उसे कत्ल कर दिया और सख्त नुकसान उठाने वालों में से हो गया। यानी जब भाई का कत्ल करना जो है वो कोई मजाक खेल हंसी खेल नहीं है, भाई का कत्ल करते हुए उसका एक उसके अंदर जो है वो एक यकीनन एक जंग चली होगी कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए है। लेकिन बहरहाल उसके जो नफ्स जो है वो उस पर गालिब आ गया और उसने उसके अपने भाई को उसने कत्ल कर दिया। और फिर क्या हुआ कि वो फिर जो है सख्त नुकसान उठाने वालों में से हो गया, क्योंकि जो है जो मर्डर है उसका जो बबाल है वो फिर उसके ऊपर जो पड़ा तो वो ऐसा नुकसान है कि वो फिर कभी ठीक नहीं हो सकेगा। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि उसे बताए कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। कहने लगा, अफसोस मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश ही छुपा देता। फिर वो पछताने वालों में से हो गया। यानी जो है वो जो उसने जो अपने जब मर्डर हो गया तो अब भाई की लाश जो है वो पड़ी थी तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है वल्लाहु आलम कि इससे पहले जो है वो या तो किसी बंदे का इंतकाल नहीं हुआ था तो ये दफनाने वाला अमल जो है वो उसने कभी देखा नहीं था तो इसलिए इस ये था, या ये कि उस वक्त उसकी जो मेंटल सोच हालत थी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि अब जो लाश पड़ी हुई है भाई की तो इसको मैं अब किस तरह से छुपाऊं। तो फिर अल्लाह ताला ने कौवा भेजा, उसने जमीन जो है वो खोदने लगा। तो जैसे कौवे जो है ना वो अपनी चोंच से कुरेते हैं ताकि अंदर से कुछ खाने के लिए निकाला जा सके, तो वो उसने उसको अफसोस हुआ कि मेरी अकल इतनी मारी गई थी कि मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि वो जो है अपने भाई की लाश ही छुपा देता तो मुझे इतनी समझ आ जाती। फिर वो पछताने वालों में से हो गया। यानी ये जो पछताना है वो ये था कि जब ये मर्डर हो गया तो उस मर्डर के बाद जो है वो जो उसके रिपरकशंस थी और जो उसके नताइज बाद में निकले उसकी अपनी दुनियावी जिंदगी में और फिर बाद में जो कुछ उसके साथ हुआ उसके नतीजे में जो है वो जो कुछ उसने देखा उस पे वो पछताता रहा। इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर ये हुक्म लिख दिया कि जिस किसी ने भी खून के बदले या जमीन में फसाद फैलाने की सजा के सिवा किसी को कत्ल किया तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक शख्स की जान बचाई उसने गोया तमाम इंसानों की जान बचा ली। बनी इसराइल के ऊपर जो है वो ये जो हुक्म दिया गया था वो न्यू टेस्टामेंट में तो नहीं है, ओल्ड टेस्टामेंट में ये अलबत्ता मौजूद है। और जो है वो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी कोई किसी इसराइली का जो है वो कत्ल करेगा तो ऐसे ही है जैसे उसने सारी दुनिया के लोगों को कत्ल कर दिया, और अगर कोई किसी इसराइली की जान बचाएगा तो ऐसे ही है जैसे उसने सारी दुनिया वालों की जान बचा ली। और जो है वो जो उनके जो जो जज होते थे जो काजी होते थे उनके लिए भी ये हुक्म था कि तुम जो है वो जब किसी मर्डरर का केस सुनो तो उसको ऐसे सुनो कि जैसे इस शख्स ने सारे जहान के इंसानों का कत्ल कर दिया है, तो इसको इस तरह से ट्रीट करो। तो इसलिए जो है वो उन पर जो है ये हुक्म लिख दिया गया था कि जिस किसी ने जमीन में फसाद फैलाने की सजा के सिवा किसी को कत्ल किया या किसी खून के बदले, यानी ये दो तरीके हैं जिसकी जिसके ऊपर जो है वो किसी का कत्ल जो है वो जायज है, अदरवाइज जो है वो कत्ल जो है वो किसी का जायज नहीं है। वो क्या है कि खून के बदले या जमीन में फसाद फैलाने की सजा के तौर पे अगर किसी को कत्ल किया जाए तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो जो किसी ने अगर इस तरह नहीं किया तो फिर जिसने भी मर्डर किया गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। तमाम इंसानों को कत्ल करने का मतलब ये है कि जो भी किसी की जान लेता है वो ये बताता है अपने फेल से कि मेरे नजदीक जो है वो इंसानी जान की कोई हुर्मत नहीं है,
और मैं अपनी किसी फायदे के लिए, अपने किसी गुस्से को दबाने के लिए, या किसी भी वजह से, अपनी जात के किसी भी वजह से जो है, मैं किसी इंसान से जिंदगी का या जिंदा रहने का हक छीन सकता हूं। तो ये वो सोच है जो कि एक तरह से किलर है इंसानी मुआशरे के लिए। तो इस सोच को के अगेंस्ट जो है वो ये बात की गई थी कि अगर कोई शख्स किसी एक आदमी का मर्डर भी करता है, का कत्ल करता है, तो वो असल में ऐसा ही है जैसे कि उसने सारी दुनिया के लोगों का कत्ल कर दिया, क्योंकि अब जो है वो उसने वो रवायत डाल दी है जो कि माशरे के लिए जो है वो जहर कातिल है। और इसका ऑपोजिट क्या है? और जिस किसी ने एक शख्स की जान बचाई, उसने गोया तमाम इंसानों की जान बचा ली। और यकीनन उनके पास हमारे रसूल खुली खुली निशानियां लेकर आए, इसके बावजूद उनमें से अक्सर जमीन में ज्यादतियां करने वाले थे, यानी ये जो बनी इसराइल थे उनमें से जो है, जो लोग उनके पास बेशुमार अंबिया कराम आए, लेकिन ये लोग जो है ज्यादतियां करते थे। तो मैंने बताया कि वो जो अभी जिसका पहले जिक्र किया कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया जो बनी इसराइल के बिल्कुल साथ आया था, उसकी वजह ये थी कि ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यहूदियों ने जो है वो साजिश की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्डर करने की, वो हमने पिछली दफा पढ़ा था। तो उसके ऊपर यहाँ पे चोट की गई है कि तुम्हारी किताबों के अंदर तो ये लिखा हुआ था कि जो है वो मर्डर करना जो है, कत्ल करना किस कदर जो है कभी फेल है, लेकिन जो है वो तुम्हारे ये हालात हैं कि तुम लोग जो है वो एक नबी का कत्ल करने से भी बाज नहीं आ रहे हो। और इन लोगों का ये हाल था, वो भी हमने पढ़ा है कि ये अपने अंबिया कराम का भी कत्ल कर दिया करते थे। तो इससे जो है वो ये पता चलती है बात कि ये लोग जो है इनमें से अक्सर ऐसे थे जो जमीन में ज्यादतियां किया करते थे। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और जमीन में फसाद फैलाने की कोशिशें करते हैं, उनकी सजा यकीनन ये है कि उन्हें चुन चुन कर कत्ल कर दिया जाए या सूली। ये जो आयत है वो उन लोगों के लिए है जो कि एक मुल्क के अंदर जो है वो जहाँ पे अमन अमान है, इस्लामी मुल्क है, उसके अंदर जो है वो ऐसे काम करें जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो मुल्क अमन अमान बर्बाद हो जाए। वो क्या क्या काम है जो इसमें शामिल है? डाका डालना, कत्ल करना, रेप करना, और जो है वो मुल्क के जो में कोई ऐसा करना, यानी वो काम करना जिससे जो है वो मकसद ये हो कि ये हुकूमत को हम उतार फेंकेंगे, या ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि मुल्क के अंदर जो है वो एक केओस पैदा हो जाए और जो है वो हुकूमत ना चल सके, और या मुल्क के लोग जो है वो खौफ में या परेशानी में और में रहें और अमनोमान जो है वो बर्बाद हो जाए। तो जो लोग ये काम करते हैं उनके लिए चार सजाओं में से कोई एक सजा जो है वो दी जाएगी। सजा क्या है? उन्हें चुन चुन कर कत्ल कर दिया जाए। वो लोग जो मर्डर करेंगे वो जो है उनकी सजा ये है कि उनका कत्ल कर दिया जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए। सूली पर कौन किसको चढ़ाया जाएगा? जिसने मर्डर भी किया है और जिसने माल भी लूटा है, यानी जो माल वो ऐसे लोगों जो है वो उनको उनका उनकी सजा ये है कि उनको सूली पे चढ़ा दिया जाए। सूली पे चढ़ाना जो है से मुराद ये है कि उनको फांसी दी जाए या उनको सलीब पे चढ़ा दिया जाए, दोनों में से कोई एक काम हो।
जो सिर्फ माल लूटे और जो है वो मर्डर ना करे, उसका यह है कि एक तरफ का हाथ काट दो, दूसरी तरफ का पांव काट दो, ठीक है। और जो सिर्फ कोई ऐसे काम करे जिससे लोग खौफजदा हो जाएं, तो उनके लिए एक उनको जिला वतन कर दो। आजकल जिला वतन जो करने का मतलब यह है कि उन्हें कैद में डाल दो। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो काम हैं उनके लिए जो है वो इस तरह की ये चार सजाएं हैं जो कि अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाई हैं। और आप इससे अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला को फसाद जो है वो एक एक मुल्क जहां पे अमनो अमान हो वहां पर फसाद फैलाना, और फसाद की शक्लें मैंने बता दी है कि डाका जनी हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, जो जो है वो जो एक मर्डर है कि एक आदमी दूसरे आदमी का मर्डर कर रहा है, उसकी सजा कुछ और है। लेकिन एक है जो कि जैसे ये बम धमाके में उड़ा दिया, और या कोई यानी टेररिस्ट अटैक जिसको आजकल के जमाने में कहा जाता है, ये उनकी बात हो रही है। तो या जो है वो जो जो रेप किया जाए, उससे भी माशरे के अंदर एक खौफ फैल जाता है और एक बेचैनी और बदअमनी फैल जाती है। तो उन ऐसे तमाम जराइम की जो है वो सजा वो यहाँ पर ये है। और फिर ये है कि ये जिल्लत और रुसवाई तो सिर्फ दुनिया के लिए है और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। गोया यहाँ पर अगर किसी को सलीब पर भी चढ़ा दिया, यहाँ पर किसी को हाथ पांव भी काट दिए, या जो है वो उनका कत्ल भी कर दिया, तो भी आखिरत की सजा माफ नहीं होगी। तो अल्लाह ताला के नजदीक जो है ये फेल के एक मुल्क के अंदर जो कि जहाँ पे अमनो अमान हो उसके अमनो अमान को बर्बाद किया जाए, तो वो बहुत बड़ा जुर्म है। और ये जो बात है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, ये इस तरह से है कि वो मुल्क जहाँ पे जो इस्लामी मुल्क है जहाँ पे अल्लाह और रसूल का निज़ाम कायम है, जितना भी कायम है बहरहाल जैसा भी है, लेकिन बहरहाल जो है वो एक एक सिलसिला है जो चल रहा है, मुसलमान है और अपने मजहब के ऊपर उनको चलने में आज़ादी है। पाकिस्तान जिस तरह की कंट्री है, तो वहां पर जो है जो भी को बदअमनी फैलाएगा वो एग्जैक्टली वही सिचुएशन होगी जो कि अगर कोई एक इंग्लैंड में किसी एक सिपाही को भी मार देना, तो वो दैट इज कॉल्ड वेज अ वॉर अगेंस्ट द किंग। एक सिपाही को, एक पुलिस वाले को का मर्डर जो है वो टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द किंग है। तो इसी तरह से जो है ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। तो उसकी सजा जो है वो दुनिया में भी क्या है और आपने देख ली, और आखिरत में जो है वो निहायत खौफनाक किस्म की सजा है ऐसे लोगों के लिए। लेकिन जो लोग तौबा कर लें इससे पहले कि तुम उन पर काबू पाओ, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बेशक अल्लाह बख्शने वाला और बेहद रहम फरमाने वाला है। यानी इससे पहले कि कोई जो है वो पकड़ा जाए, अगर वो लोग तौबा कर लें और जो है वो हम हुकूमत को बाद में पता चले कि ये वो लोग थे जो कि असल में ये किया करते थे, लेकिन वो उससे पहले वो ठीक हो चुके हैं, तो फिर जो है वो उनको ये सजाएं नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर उस जमाने में जिसकी उन्होंने जिस वो वाले काम किए थे जिसमें उन्होंने वो जमाना जो था उसमें जिस तरह के काम किए थे उसमें अगर किसी ने किसी का मर्डर किया था, तो उसको जो है वो फिर किसास या दियत में से कोई एक काम होगा, यानी कत्ल का बदला जो है वो कत्ल होगा, या फिर उसको जो है वो उसकी दियत देनी होगी, या फिर तीसरा जो है वो ये है कि वो जो लवाहिकीन है वो माफ कर दें। अगर किसी ने किसी का माल लूटा है, तो या तो वो माल वापस करेगा, माल वापस नहीं करेगा तो चोरी की सजा पाएगा। जो चोरी की सजा है वो अभी हम आगे जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये है जो कि उनके लिए है कि जी जो लोग तौबा कर लें, तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से माफी है, लेकिन वो माफी जो है वो एक तरह से एक उनके लिए जो है वो जो इंसेंटिव है कि देखो अगर तुम ये सारे काम कर रहे हो और अभी तुम पकड़े नहीं गए हो, तो अभी भी वक्त है कि तुम जो है वो अपने आप को अपने उन गुनाहों से तौबा कर लो, और जो है वो
इन चीजों से बाज आ जाओ, अगर तुम बाज आ जाओगे तो जो है वो तुम्हें वो वाली खौफनाक सजाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन पकड़े जाने के बाद की तौबा जो है वो काबिले कबूल नहीं है। यानी अगर कोई उन फसादियों में से पकड़ा जाए और बाद में कह दे कि जी मैं तौबा करता हूं और मैं अल्लाह के हुजूर तौबा करता हूं और ये करता हूं वो करता हूं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो तौबा जो है वो वैसे ही है जैसे किसी की मौत का वक्त सामने आ जाए, तो फिर जो है वो उसकी तौबा काबिल कबूल नहीं होती। ये आयत नंबर 24 है, यहां तक हमने पढ़ा है, इसको आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।